नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने वेदांत मेरे यूट्यूब चैनल एक खास पल में। और आज मैं यहां पर स्थित हूं भौरेश्वर जो महादेव जी हैं दंगवाड़ा, ये लगभग उज्जैन से कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर उज्जैन से ये लगभग 30 किलोमीटर है, जैसे मेरा पीछे यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ की मान्यता है आप सच्चे मन से जो कुछ भी नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं और वो करते हैं और शिवलिंग पर जल और दूध अभिषेक करते हैं, उससे आप जो सच्चे मन से जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। तो आज हम आगे चलते हैं और इसके बारे में जो भी डिटेल है उसके बारे में देखते हैं आज। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक आपने देखा, हमने यहाँ पर भौरेश्वर जी महादेव हैं उनके दर्शन करा दिए हैं। यहाँ के ग्रामीणों से हमने बातचीत की, वहाँ पर मंदिर से संबंधित कुछ समस्याएं हैं क्योंकि उसके जस्ट पीछे ही क्या है कि चंबल नदी है। चंबल नदी से कुछ यहाँ पर पहाड़ी है, चट्टान है, उसका क्षयकरण हो रहा है। इसके लिए चलो हम चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से उसके लिए सरकार को आगे अपना जो भी प्लान है उसके लिए समय समय पर यहाँ पर जो समिति है उसकी किस तरीके से मदद करनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया था कि भौरेश्वर जी महादेव पर, जैसा ये देखिए चंबल में हूँ मैं इस समय, और ये देखिए यहाँ पर ये जैसा बहुत देखने पर मिल रहा है। देखिए ये जो पहाड़ है, चट्टान है, मिट्टी का, ये कट रहा है धीरे धीरे, इससे क्या है मंदिर के लिए भी क्षति हो रही है।
ये देखिए कि ये जो चट्टान है या मिट्टी की वो है, पिछली महाशिवरात्रि पर यहाँ पर कुछ दुर्घटनाएं हुई थी मिट्टी फिसलन की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो भोलेनाथ जी का पर्व होता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो वीडियो में यह है कि आप यहाँ की देखिए, मिट्टी से है, क्षतिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी यहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व होता है, 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हर त्यौहार पर सावन के महीने में यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की जो प्रतिमा, जो शिवलिंग है, वो भी क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। इस पर क्या आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको भी ध्यान देना चाहिए जितना हो सके। अगर जो लोग भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मैं चाहता हूँ कि सरकार के लिए ये वीडियो पहुँचे। जो भोरेश्वर जी महादेव हैं दंगवाड़ा में, वहाँ पर इसके लिए सरकार को आर्थिक मदद उपलब्ध करानी चाहिए, या तो यहाँ पर दीवाल या जाल, जो भी जिस तरीके से सरकार सक्षम हो उस तरीके से लोगों की जान का ध्यान रखते हुए ये सारे काम उसे सरकार को करवाने चाहिए। क्योंकि कुछ ही महीनों में महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध करना चाहिए। स्नान घाट पूरे, मतलब घाट दो है यहाँ पे। ये अच्छा, ये खड़े हैं ये, और एक अच्छा, मतलब ये हमेशा ही डूब जाते हैं चंबल के, मतलब पानी आता है जब, मतलब ये होना चाहिए कि थोड़ा सा ऊंचा उनको उठवाया जाए उस तरह। ये जो सामने आप देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर इसी गांव के सरपंच साहब हैं, नागेश्वर जी हैं, और वो चाहते थे कि यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक मदद है, मतलब लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, जैसा यहाँ पर ये मिट्टी की चट्टान है, टीले हैं, ये खिसकते जा रहे हैं, इसके लिए सरकार को अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए। और सनातन धर्म की अगर आप रक्षा करेंगे तो सनातन धर्म है वो आपकी रक्षा करेगा। सर कैसा क्या रहा सफर? सफर चाहता हूँ सरकार इस पर ध्यान दे। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा जी, महादेव की जय। धन्यवाद दादा, आपको बहुत बहुत। बिल्कुल सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।